हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में आज ये वीडियो है। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस न्यूज़ के हिसाब से अगर आप लोगों का विस्टर वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, सो विस्टर वीज़े अप्रूव्ड होने के बाद भी भाई आपका वो वीज़ा जो है वो कैंसिल हो सकता है। एंड खासकर जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो तो वहाँ पर भी आपका जो वीज़ा है उसको कैंसिल करके आपको वापस भेज सकते हैं। एंड कौन कौन सी कैटेगरीज उन लोगों ने शामिल की हैं जिसकी वजह से वो लोग आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, एंड उन लोगों ने सब बताया कि किस वजह से वो आपका अप्रूव्ड वीजा भी कैंसिल कर सकते हैं। सो वही सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं आज इस वीडियो में। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से आज मिलने वाली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो भाई, कनाडा इमिग्रेशन के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। एंड भाई उनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई अब वो और ज्यादा बंदे कनाडा में अफोर्ड नहीं कर सकते। सो भाई इसके कारण क्या है, वो लोग जो है वो सीधा टारगेट बनाते हैं विस्टर वीजे वाले को बिकॉज सबसे ईजी टारगेट होता है। एंड इनकम सोर्स के लिए भी उनको भाई विस्टर वीजे चाहिए क्योंकि भाई क्या होता है, वो लोग आपका विजिटर वीजा अप्रूव कर देते हैं बिकॉज उनको वहां से एक इनकम आ रही होती है जिससे उनकी यहाँ पे ग्रोथ होती है। लेकिन विजिटर वीजा लगने के बाद वो लोग आपका जो वीजा है वो कैंसिल कर देते हैं। सो विजिटर वीजा लगने के बाद भी आप लोगों का तो कुछ फायदा होता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का तो भाई फायदा ही फायदा है। सो इसीलिए भाई सबसे पहली चीज तो है, जब आप विजिटर वीजा लगाते हो सो पहली चीज आप लोगों ने गौर करनी है कि भाई कोई भी आपने फेक डॉक्यूमेंट उसके अंदर नहीं लगाना। बिकॉज पहले बहुत लोग ये चीजें करते हैं, वो एजेंट्स के पास जाते हैं, एजेंट कहते हैं कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, भाई 12 लाख रुपए दे दो, हम लोग आपका वीजा लगा के दे देंगे, लेकिन आप हमसे पूछना मत कि भाई वीजा लगा कैसे। सो भाई वो वाले दिन अब चले गए। अगर वीजा लगाना है एंड जेन्युइन वीजा लगाना है ताकि बाद में आपका अप्रूवल आए एंड वो रिजेक्ट ना हो, सो भाई आपको एक बहुत ही सही तरीके से चलना पड़ेगा। अब गाइस, उसमें से सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था कि एजेंट्स जो हैं वो अपने हिसाब से बैंक स्टेटमेंट्स लगा देते थे किसी के भी उठा के आपकी फाइल में। सो भाई उससे बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज वीजा अप्रूव होने के बाद भी गवर्नमेंट आपकी फाइलें चेक कर रही हैं। एंड अगर उनको ये लगता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपने शो की है वो जेन्युइन नहीं है या वो किसी और की है, सो भाई वीजा तो वहीं पे ही आपका रिजेक्ट हो जाता है एंड इतना सारा पैसा लगाने का भी कोई फायदा नहीं। सो भाई एक तो जेन्युइन होनी चाहिए, ऊपर से आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 4 से 6 महीने पुरानी हो। बिकॉज लोग क्या करते हैं, कोई कोई लोग डायरेक्ट इकट्ठा पैसा डाल देते हैं 5-6 लाख रुपए दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारे पास पैसा है, एंड बाद में जब वीजा आ जाता है तो उस पैसे को निकाल लेते हैं। सो सबसे बड़ी गलती तो यही दो होती है कि एक तो पहले जो आप इकट्ठा पैसा जमा करते हो, इकट्ठा पैसा कभी भी उसके अंदर एक साथ जमा नहीं करना। आपका कम से कम जो इनकम है वो 5-6 महीने पुरानी होनी चाहिए एंड वो भी थोड़ी थोड़ी इनकम करके उसको शो करना है। ये नहीं कि 6 लाख रुपए आपने डायरेक्ट ही अपने स्टेटमेंट में शो करे हुए हैं कि हमने डाले हुए हैं एंड बाद में विस्टर वीजा आने के बाद बहुत लोग तो उसको निकाल भी लेते हैं। सो भाई वो गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी बिकॉज एक तो पैसा नहीं जमा करना, दूसरा अगर आपका वीजा आ जाता है, वीजा आने के बाद जब तक आप लोग कनाडा के अंदर एंटर नहीं कर जाते इमिग्रेशन क्लियर करके, तब तक आप लोगों को वो पैसा नहीं निकालना। बिकॉज अगर आप वो पैसा छेड़ते हो तो भाई उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो है ये वो फेक स्टेटमेंट शो की हैं कुछ पैसे डाल के, बाद में अपने आपने जो है वो पैसे निकाल लिए। बिकॉज आप लोग जब बैंक स्टेटमेंट लगाते हो तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को ये जता रहे हो कि भाई हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम कनाडा आ रहे हैं एंड कनाडा आके हम अपने खर्चा खुद कर सकते हैं। लेकिन जब आप वही पैसा निकाल लेते हो तो उनको सबसे पहला यही डाउट होता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे आके खर्च कैसे करेगा एंड अपने आप को सपोर्ट कैसे करेगा। सो इस बंदे का सीधा सीधा कारण होगा कि वो यहाँ पे आके काम करना। सो भाई ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से उनको डाउट हो कि आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हो या आपका जो आने का कारण है या फिर जो रीजन है वो वैलिड नहीं है। सो पहली बात, बैंक स्टेटमेंट आपको जेन्युइन लगानी है एंड उसमें कम से कम 5-6 महीने का गैप देना। भाई दूसरी चीज, जो लोग भी विस्टर वीजे पे आते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि उनके पास यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी है या जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ की प्रॉपर्टी है एंड वो उस प्रॉपर्टी के देखभाल करने के लिए वापस आएंगे। सो एक सबसे बड़ा रीजन वो ये भी देते हैं अपने वापस आने का जिसकी वजह से उनके विस्टर वीजे अप्रूव्ड होते हैं। सो भाई उनमें से भी बहुत सारे लोग जो है वो हेराफेरी कर देते हैं, जैसे एजेंट्स जो होते हैं भाई वो कहते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो भाई बिल्कुल भी हेराफेरी मत करना अपने डॉक्यूमेंट्स में। जो भी आपके पास चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, आपका घर है, आपकी कोई जमीन है एंड भाई आप कहीं पे जॉब करते हो, सो वो सारे के सारे लेटर्स बनवा लेना अच्छे से एंड फिर उनको इकट्ठा करके अपनी फाइल में लगाना। सो कोई भी फेक चीज मत बनवाना। तीसरी चीज, बहुत लोग जो गलती करते हैं स्पॉन्सरशिप में वो ये करते हैं, अगर यहाँ पे किसी का ब्रदर सिस्टर उनको स्पॉन्सर कर रहा है सो भाई वहां से जो है वो अकेले की फाइल लगा लेते हैं। अपनी अकेले की फाइल मत लगाओ, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फाइल लगाओ, आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
बिकॉज उनको ये लगता है कि भाई एक तो इनका ब्रदर सिस्टर पहले ही बाहर रह रहा है, ऊपर से ये अकेला बंदा है वो भी बाहर जा रहा है, सो भाई इसका रिटर्न आने का जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन नहीं है। सो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ लगाते हो, उनको ये लगता है कि भाई बंदा जा रहा है तो वापस भी आएगा, पेरेंट्स भी साथ में जा रहे हैं, सो वो भी एक वैलिड रीज़न हो जाता है भाई आपके वीज़ा आने के एंड आपके वीज़ा कैंसिल ना होने के। सो बाद में बिकॉज अगर आप सिंगल वीज़ा लगा लेते हो एंड बाद में उनको डाउट होता है, क्योंकि इस समय ये चल रहा है कैनेडा में कि ये लोग जिनके वीज़े लगे हुए हैं उनकी भी फाइल दोबारा खोल रहे हैं कि हमने चेक करना है, हमें डाउट है कि इसका जो वीज़ा है वो जेन्युइन है या नहीं है, एंड भाई वहाँ से ही वो लोग कैंसिल करके आपका वीज़ा जो है उसको कैंसिल करे जा रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आ रहे हो भाई पेरेंट्स के साथ फाइल लगाओ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाओ। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आप लोगों का वीजा बेस होता है वो होता है आपके यहाँ आने का रीजन। भाई रीजन क्या है, कन्वोकेशन पे आ रहे हो, बर्थडे पे आ रहे हो, मैरिज पे आ रहे हो, क्या रीजन है? बहुत लोग क्या होता है कि भाई वो लगा देते हैं फाइल, जैसे कि मैंने अभी मेरे भाई का बर्थडे एक महीने बाद, तो मैंने उसके बर्थडे पे जाना है, सो मैं फाइल लगा रहा हूँ, फाइल लगा देते हैं, वीजा आता नहीं, क्योंकि भाई वीजा बहुत टाइम बाद आ जाता है, या फिर अगर फर्स्ट तारीख को बर्थडे है एंड वीज़ा आपका 5 डेट को आ रहा है, सो भाई दिन तो वैसे निकल जाते हैं, ऊपर से फिर कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, सो फिर एयरपोर्ट पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है। बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है उससे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई जिस रीज़न की वजह से आपने अपनी फाइल लगाई थी वो रीज़न तो आपका निकल गया, तो अब आपके आने का कारण क्या है? सो ऐसे में वो लोग अपना प्रॉपर रीज़न दे नहीं पाते एंड भाई वो उनका वीज़ा रिजेक्ट करके एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर तो आपका कोई रीज़न निकल गया है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ आना चाहते थे, फिर अपने आप को गैप दो, फिर उसके 10 या 15 दिन बाद आने का फायदा नहीं, अपने आप को गैप दो कम से कम 4-5-6 महीने का एंड एक वैलिड रीजन निकालो, या फिर वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए, और नहीं तो ट्रैवल का रीजन होना चाहिए आपके पास, आपके प्रॉपर अगर आप यहां पे ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो तो आप लोग ये दिखा सकते हो कि मैं कनाडा घूमने आ रहा हूं या फिर घूमने आ रही हूं। सो भाई उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग होटल बुकिंग्स दिखा सकते हो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होटल्स की बुकिंग है, जहां पे आप रहोगे, आप यहां पे कितने दिन रहोगे, एंड कोशिश करो यहां पे ज्यादा दिन के लिए ना रहो, अगर आप यहां पे घूमने आ रहे हो तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन में वापिस चले जाओ, बिकॉज बहुत लोग जो हैं वो लोग यहाँ पे 6-6 महीने प्रॉपर निकाल के चले जाते हैं, फिर दूसरी बार जब उन्होंने री एंट्री करनी होती है सो इश्यूज वहाँ पे आते हैं। बिकॉज जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि विस्टर वीज़ा आपका 10 साल का लगता है, लेकिन आप एक बार में सिर्फ 6 ही महीने स्टे कर सकते हो, 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। सो जब भी आप पहली बार आ रहे हो सो भाई कोशिश करो कि आप 1 या 2 महीने लगा के वापस चले जाओ, ताकि उनको लगे कि आप जिस भी रीज़न की वजह से आए थे वो वैलिड था, ताकि अगली बार जब भी आप आओगे सो भाई वो आपको बहुत ही ईजी से एंट्री दे देते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। एंड दोस्तों अब जब हम एयरपोर्ट की बात कर ही रहे हैं सो मैं आपको बताता हूं कि एयरपोर्ट पे आते हुए आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी। भाई पहले तो बर्तन बुर्तन मत उठा के लाना, अगर विस्टर वीजे पे आ रहे हो चेकिंग हो जाती है, वहीं से आपको वापस कर देंगे, उनको लगेगा भाई घूमने आ रहा है बंदा या फिर रहने आ रहा, सबसे पहली प्रॉब्लम तो वहीं पे हो जाती है आपके कपड़ों वगैरह से ही या फिर आपके बर्तनों से ही। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिस बंदे के पास आप आ रहे हो भाई आपके पास उसी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, समझो आप अपने भाई के पास आ रहे हो, सो आपको कम से कम उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई आपका भाई का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो काम क्या करता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। बिकॉज अगर आपका भाई आपको एयरपोर्ट पर पिक करने आ रहा है सो इमिग्रेशन ऑफिसर क्या करते हैं, वो भाई आपसे नंबर मांगते हैं एंड उनको कॉल करेंगे एंड उनसे कन्फर्म करेंगे कि भाई क्या आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई क्या आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं, एजेंट्स के होते हैं, वो फेक स्पॉन्सरशिप पे फाइल लगा देते हैं एंड अगला बंदा उनको जानता भी नहीं होता, इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स आजकल उन्होंने कंफर्म करना शुरू कर दिया फोन लगा के। सो जिसके भी पास आ रहे हो उसको ये जरूर बता देना कि भाई मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एंड तुमको जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर की कॉल भी आ सकती है भाई ये जानने के लिए कि हाँ तुम मुझे पिक करने आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। सो भाई उनको सब कुछ बता के रखना, बिकॉज अगर उनको बता के रखोगे तो अच्छा होगा, बाकी उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना। एंड दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट होते हैं कि उनका जो वीज़ा वो उनके पेरेंट्स के साथ लगा है सो क्या वो सिंगल ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई, बिकॉज आपके वीज़ा में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपका वीज़ा आपके पेरेंट्स के साथ लगा, आपका एक वीज़ा लगा सो उसके बेस पर आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। बट सारी बात वहीं घूम के आती है कि आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हो। अगर आपके पास वो वैलिड रीज़न है सो भाई इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ईजिली जाने देता है। एंड भाई बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आने से भी डरते हैं, सोचते हैं कि भाई इमिग्रेशन कितनी हार्ड होगी, सबको वीज़ा डिनाई हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा भाई। कहीं कभी कभी तो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते, मीन्स कुछ भी नहीं, खाली आपका वीज़ा देखते हैं, आपका नाम पूछते हैं तो आपको जाने देते हैं। सो बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, बट ये है कि बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड भाई वो तो सबको पता है कि वो बेसिक क्वेश्चंस के जवाब आपके पास होने ही चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। बाकी बहुत ज़्यादा ईजी होती है इमिग्रेशन, इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती,
किसी किसी से वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सो उसमें भी आपको डरना नहीं होता। बिकॉज अगर आप इस वीजे पे आ रहे हो कनाडा, सो भाई आपकी सारी तैयारी तो होती है, सो बस वही चीजें उनको बता देना जिस वजह से आप यहाँ पे आ रहे हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों के बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे, एंड जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप वैसी वैसी तैयारी अपनी कर सकते हो। एंड बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।